सामान आप लगाएंगे, आपकी सामान से घर कोई और बना लेगा उधार, पैसा मांग मांगे थक जाएंगे, भाग जाएगा वो सऊदी अरबिया। मुर्गी फार्म खोलेंगे, जितने लोग आज भारत में मुर्गी फार्म खोले सब साले घाटे में चल रहे हैं, लिखवा के ले लीजिए ना, क्योंकि खाने वाला पदार्थ सब खा गए। हेलो, सिलाई दुकान खोलेंगे सब रेडीमेड आ रहा है, क्या कौन सा बिजनेस करेंगे आप? ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, ओला ने उखाड़ दिया। हेलो हेलो, ओला ने होला कर दिया, कौन सा बिजनेस करेंगे? रेस्टोरेंट चलाएंगे, रेस्टोरेंट का बाजा बजने वाला है, जोमेटो स्विगी उनका हालत खराब करने आ गया है। रेस्टोरेंट में हम जाते थे नहा धो के खाने, वो कहता कहाँ आ रहे हैं, वहीं ऑर्डर करिए वहीं लेकर, खुदे आ रहे हैं। तो आप लोग के किसी किसी घर के बच्चे पढ़ाई करें, हाथ खड़ा करें, जिनके घर के चाचा बाबा का किसी कुछ भी कोई, अब माने कोई बोलेगा हमारे बच्चे ही नहीं है, तो तेरा बच्चा होगा तो खुदा 16 साल का शादी हुआ नहीं, तो तेरा बच्चा नहीं, घर में कोई बच्चा होता है कि नहीं किसी के, इसमें है ना, ऐसा कोई होगा ही नहीं हाँ, जिनके घर बच्चा ना, वो भाई बहन किसी बच्चा है या नहीं है? देखो अब हाथ खड़ा हुआ सभी लोग, बच्चा ना होता तो हम कहाँ से आ जाते हैं, कोई तो है ना खानदान में। तो सबके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? yes. और आज 2019 में यह हाल है, और आप खुद पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी भी देगा। आज की हाल इतनी खस्ती है, आगे हाल और खराब होगा कि नहीं होगा? yes. तो क्या आप तो बन नहीं पाए पढ़े लिखे डिग्री वाले, बन के वो कहां से बन जाएगा, और कितने बन जाएंगे? तो पक्का है बेरोजगार होने वाले, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं वाला बेरोजगार देश है इस समय भारत, आपको बता दे रहा हूं, और भी पढ़े जा रहे हैं युवा। तो हमारे अभी तो हमारा हाल खराब है, जो बच्चा पढ़ रहा है हाल ठीक हो जाएगा क्या? उसी में किसी किसी ठीक होगा तो बहुत 90-100% वाले टॉपर होंगे, ऐसे तो बहुत छोड़ी होते हैं ना, बहुत कम होते हैं ना ऐसे तो, पांच एक और 85-5 लाख तो नौकरी पाएंगे ना, बाकी कहां जाएंगे? ये हाल है। तो हमारे घर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनका भविष्य है, बिजनेस करेंगे हम, नौकरी नहीं करेंगे हम, बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस करेंगे आप? हम लोग कौन सेफ साफ हटाएंगे, कौन बिजनेस करेंगे ट्रेडिशनल में? हाँ नहीं, सेफ साफ हटा के हम बात करें, सर बोले किराना स्टोर खोलेंगे, धनिया मिर्चा जीरा सरफ शैम्पू साड़ी फाल लिपस्टिक की गुली जीरा काने वाली आल आइटम मिलता हमारे पास, डाट डाट इत्यादि यही खोलेंगे, गिट्टी मोरंग बालू भंडार, सामान आप लगाएंगे, आपकी सामान से घर कोई और बना लेगा उधार, पैसा मांग मांगे थक जाएंगे, भाग जाएगा वो सऊदी अरबिया। मुर्गी फार्म खोलेंगे, जितने लोग आज भारत में मुर्गी फार्म खोले सब साले घाटे में चल रहे हैं, लिखवा के ले लीजिए ना, क्योंकि खाने वाला पदार्थ सब खा गए। हेलो, सिलाई दुकान खोलेंगे सब रेडीमेड आ रहा है, क्या कौन सा बिजनेस करेंगे आप? ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, ओला ने उखाड़ दिया। हेलो हेलो, ओला ने होला कर दिया, कौन सा बिजनेस करेंगे? रेस्टोरेंट चलाएंगे, रेस्टोरेंट का बाजा बजने वाला है, जोमेटो स्विगी उनका हालत खराब करने आ गया है। रेस्टोरेंट में हम जाते थे नहा धो के खाने, वो कहता कहाँ आ रहे हैं, वहीं ऑर्डर करिए वहीं लेकर, खुदे आ रहे हैं। सब बिजनेस तेजी से बदलने वाला धीमे बदलने वाले को खा जा रहा है। पहले जमाने में क्या था, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ऐसा नहीं है, तेजी से बदलने वाला धीमे बदलने वाले को। तो आज के टाइम में जितना आप कौन सा काम, ज्यादातर काम हम ट्रेडिशनल करते हैं, वो सब फलाफ हो चुका है, सब पुराना हो चुका है, उस पर बड़े बड़े लोगों का कब्जा हो चुका है, सारा धंधा मिट गया है। कुम्हार बनाता था उसका धंधा लोगों ने छीन लिया, बाल काटने वाला धंधा लोगों ने छीन लिया, जिलेट लगाने के प्रकार मशीन खुदे काट छीन लेते हैं लोग। हेलो हेलो, बेचारा छूरा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कुछ ना चलेगा, क्या करेंगे आप?
बिजनेस हमारा कुछ भी देखे। अब आप कहेंगे बहुत राष्ट्र है, हम बोलते सिद्ध करो कौन वाला, एक सिद्ध नहीं बताओ नहीं चला के दिखाओ। हेलो, हम तो बात करेंगे पर प्रैक्टिकल रूप में, राइस मिल खोलेंगे, मिसाइल खोल के घाटा में बैठे 20 लाख कौन सा बिजनेस करेंगे आप? ये बिजनेस 23 बदलने वाला इनको खा गया, तो बिजनेस भी हमारे लिए नहीं नौकरी, अब हम करेंगे क्या? ये हमारी हालात है, सरकारी प्राइवेट नौकरी के हाल है। अब कई लोग हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसी इतना बढ़िया बात छोड़ के कहेंगे हमको ड्यूटी पे जाना है, वहीं जाना जहाँ कुछ नहीं होना है। और एक दिन कमा दे मेरे भाई 500-600 रुपया, कमा दे 1000 रुपया, अगर 5000 कमाएगा तो 50 करोड़ जरूर कमाने की गारंटी देता हूँ मैं। ये हाल है नौकरी और बिजनेस। अब बताइए क्या करेंगे? सऊदी अरबिया जाएंगे, वहीं जेल में डालना है बिना तनख्वाह के रखे, रो रहे वही फेसबुक पे रो के भेजना पड़ेगा सुष्मिता कौन है सुषमा स्वराज जी को, वो खत्म हो गई फिर बन जाएंगी, उन्हीं सरकार है तो आपको राजदूत से भेज के बुलाएंगे। ये हाल है सऊदी अरब का, दुबई का सब हाल खस्ता है, खस्ता कि नहीं? हाँ, खजूर बनाएंगे, भेड़ चराएंगे, भगवान जाने क्या क्या करते हैं हम लोग। तो ये हाल है अपना सब विदेश का। तो अभी हम लोग क्या कर, हमारा बताइए लाइफ स्टाइल पहले से खराब थी, और उस लाइफ स्टाइल को पूरा करने के लिए ये तो हमारे पास साधन से दोनों फलाप साबित हो रहे हैं। यस या नो? यस या नो? और महंगाई पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर हमारा जीव का चलेगा कैसे?